दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है और खेल खत्म होने के बाद एक तस्वीर जो सामने आई है वो ये है, टीम की हार इस टेस्ट मैच में 99.999 जितना भी परसेंट आप जोड़ लें वो कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि भारत ने दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के सामने आखिर में जीत के लिए सिर्फ 76 रनों का लक्ष्य रखा है। जी आपको बता दें कि भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में सिर्फ 163 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया को अब इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए सिर्फ 76 रन बनाने हैं और उनके पास पूरे 3 दिन का खेल बचा हुआ है। हालांकि वैसे मैं आपको बताऊं कि 75 रन अगर ऑस्ट्रेलिया बनाएगी तो कल के पहले सेशन में ही ऑस्ट्रेलिया 76 रन जो बनाएगी बड़ी आसानी से बना लेगी अगर उन्होंने 76 रन बनाए, वरना तो यू नेवर नो, इंडिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है, पिच कभी भी बदली जा सकती है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैट इनिंग में खेल दिखाया, 197 उन्होंने बनाए थे, वो तो कोलैप्स हो गया उनका आज एकदम से, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया आराम से 225-250 बना सकती थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी स्ट्रगल किया, 97 पे ऑल आउट हुए। लेकिन उसके बाद इंडिया ने तो और बुरा खेल खेला, रोहित 12, शुभमन गिल 5, कोहली 13, रविंद्र जडेजा 7, ये आपके जो टॉप के बल्लेबाज थे कुछ नहीं कर पाए। चेतेश्वर पुजारा ने 59 रन बनाए, तो वही श्रेयस अय्यर के बल्ले से आए 26 रन, काफ़ी तेज उन्होंने बैटिंग की। यहाँ पर देखना होगा श्रीकर भरत, जिनको ऋषभ पंत की जगह इस इंडियन टीम में मौका है, 3 मैच भाई साहब खेल चुके हैं, 1 मैच में भी रन नहीं बनाई है, यानी कि शायद कसम खा ली कि मैं रन नहीं बनाऊंगा, हर मैच में फ्लॉप है। इससे ज़्यादा तो उन्होंने आके अश्विन और अक्षर पटेल बना जाते हैं, और साथ ही यहाँ करनी होगी ऑस्ट्रेलिया स्पिनर नेथन लॉयन की, जिन्होंने 23.3 ओवर गेंदबाजी करते हुए 8 विकेट अपने नाम किए, यानी कि अकेला ही नेथन लॉयन पूरी तरह से इंडियन टीम पे भारी पड़े। और अब तस्वीर यही है कि भारत को अगर इस टेस्ट मैच को जीतना है तो भारत को 75 रन डिफेंड करने होंगे, जो मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पे हर प्रिडिक्शन फेल है, लेकिन मेरे हिसाब से आज की ये जो मेरी प्रिडिक्शन है वो कल गलत साबित नहीं होगी, इंडियन टीम इस मैच को हारेगी। और हालांकि ये ज़रूर होगा कि भारत के पास ही बढ़त रहेगी, 2-1 से भारत आगे रहेगा, लेकिन अगर भारत ये मैच हारेगी तो एक चीज़ कंफर्म हो जाएगी, वो ये कि ऑस्ट्रेलिया WTC के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन जाएगी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की चांदी हो जाएगी जैसे ही वो 76 रन बनाएंगे इंदौर टेस्ट की आखिरी पारी में।